नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आज हमारे फैमिली ट्रिप सेगमेंट में आज हम आपको लेके जा रहे हैं जीवदानी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये वसई विरार स्थित एक बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है। जैसे कि मुंबई में महालक्ष्मी का या मुंबा देवी का मंदिर है, वैसे ही ये वसई विरार में यहाँ पर इस मंदिर में काफी लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं जीवदानी माता के दर्शनों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल होगा कि यहाँ तक कैसे पहुँचे और यह मंदिर कहाँ है। तो यह जो मंदिर है, ये महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में विरार के नज़दीक है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 48 से विरार की तरफ टर्न ले सकते हो। हाईवे से इस मंदिर की दूरी करीबन 10 किलोमीटर है। यहाँ पर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको मुंबई की जो वेस्टर्न लाइन है, वहाँ पर विरार स्टेशन पर उतरना है और विरार ईस्ट में आकर आपको वहाँ से ऑटो भी मिल जाएगी, और या तो आप चल के जाएंगे तो भी आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे। अभी जिस रोड पर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे जीवदानी रोड कहा जाता है, और सामने की तरफ आप जो पहाड़ देख रहे हो, वही है जीवदानी माता का पहाड़। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपके राइट साइड में यहाँ एक यह विशाल पार्किंग है। जब यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है तो आपको गाड़ी यहीं पर पार्क करनी होती है। माता के दर्शनों के लिए ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए तीन रास्ते हैं। एक रास्ता जो सबसे पुराना है, वह पर्वत के पीछे की तरफ से है, जो कच्ची पगडंडी वाला रास्ता है। दूसरा सामने की तरफ से सीढ़ियों वाला रास्ता है, जिसका यात्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और एक रास्ता अभी फनिक्यूलर रोपवे द्वारा बनाया गया है, जिससे आप तुरंत ऊपर माता के दर्शनों के लिए पहुँच सकते हैं। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको नज़र आएगा कि आपकी दोनों तरफ पूजा सामग्री इत्यादि की दुकानें स्थित है, जहां से आप माता के लिए चढ़ावा इत्यादि वस्तुएं खरीद सकते हैं। अगर आप नीचे से खरीदना ना चाहे तो आप ऊपर से भी यह सामान खरीद सकते हो। ये यहां का मेन पार्किंग एरिया है। जब भीड़ कम होती है तो आप यहां तक अपना व्हीकल ला सकते हैं, अन्यथा जो आगे बड़ा मैदान था, वहां पर आपको अपना वाहन पार्क करना होता है। तो अभी आज हम जो यहाँ पर आए हैं, तो हमें पता चला है कि यहाँ पर ये फनिक्यूलर रोपवे जो है, इसका निर्माण चालू है। हमें अभी तक पता नहीं है कि यात्रियों के लिए खुला है क्या नहीं, तो इसी की जानकारी लेने के लिए हम पहले यहाँ के ऑफिस में जाएंगे और फिर वहाँ से हमारी अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ सामने की तरफ जीवदानी देवी संस्थान का ऑफिस बना हुआ है, और यह जो सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर जाने के लिए करीबन 1400 सीढ़ियाँ हैं। ऑफिस में पूछने पर हमें पता चला कि यह रोपवे अभी पब्लिक के लिए खुला नहीं गया है, इसका अभी तक ट्रायल रन चालू है। लेकिन यदि आप फिर भी इससे यात्रा करना चाहें, तो यहाँ पर आप 200 रुपये डोनेशन देकर इससे आप यात्रा कर सकते हैं। वहीं इस कार्यालय के ऊपर एक गणेश जी का मंदिर है, जिसे मंदारेश्वर गणेश मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, हम अपने कोई भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के दर्शन से करते हैं, तो हमने भी पहले यहाँ पे गणेश जी के दर्शन लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से यह फनिक्यूलर रोपवे की शुरुआत होती है, और अभी यहाँ पर यह कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और इसी वजह से अभी तक इसे पूरी तरह से यात्रियों के लिए खोला नहीं गया है। जैसे ही यहाँ का ये काम समाप्त हो जाएगा, तो इसे यात्रियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। यह रोपवे जो है, ये अपने आप में एक अनोखा रोपवे है दोस्तों। महाराष्ट्र का ये एक दूसरा ऐसा रोपवे है जिसे हम फनिक्यूलर रोपवे कहते हैं। इसके अंदर लटकने वाली केबल कार ना होते हुए इसे एक ट्रैक के द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है। इसके अंदर टोटल 4 कैबिन है। आने जाने के समय इसमें एक बार में 104 यात्री सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका टेस्ट रन होने की वजह से ये सिर्फ 50% कैपेसिटी पे इसे चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र का पहला रोपवे नासिक के नज़दीक स्थित वणी में बना हुआ है, जो सप्तशृंगी देवी मंदिर में लगा हुआ है। दोस्तों, भारत में हमारे यहाँ माता जी के टोटल 51 शक्तिपीठ है, उनमें से 18 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में है, और यह जो जीवदानी मंदिर है, यह महाराष्ट्र के 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस ट्रैक की कुल लंबाई करीबन 400 मीटर है और इस पहाड़ की ऊंचाई करीबन 900 फीट है,
और यहाँ से आपको ऊपर यात्रा करके पहुँचने में करीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं, और अगर आप वहीं आप सीढ़ियों से चढ़ने जाए तो करीबन 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। इस रोपवे के निर्माण में करीबन 35 करोड़ की लागत आई है दोस्तों। इस केबल कार के कोच का निर्माण काफ़ी खूबसूरती से किया गया है। यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कांच का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया है। इस टेक्नोलॉजी को विस्टा डोम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिससे आप यात्रा के समय अपने आसपास की कुदरत का पूरा आनंद उठा सकते हैं। इस रोपवे की एक खास बात और है दोस्तों, इसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रैक का निर्माण किया गया है। ज़्यादातर रोपवे 2 ट्रैक पर चलते हैं, एक ऊपर जाने के लिए एक नीचे आने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक ही ट्रैक बनाया हुआ है। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक ट्रैक बनाया है तो क्या सिर्फ एक ही केबल कार ऊपर नीचे चलती है? जी नहीं दोस्तों, इन्होंने कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला है जिस वजह से दोनों केबल कार ऊपर और नीचे जा सके। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर बराबर बीच में एक लूप बना दिया है, जिसमें जब केबल कार आमने सामने आती है तो वह डाइवर्जन ले लेती है और एक दूसरे को क्रॉस ओवर करके अपने अपने रास्ते निकल जाती है। आपको इस वीडियो में यह टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है ये अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इस मंदिर एवं परिसर का रखरखाव जीवदानी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। जीवदानी मंदिर ट्रस्ट द्वारा यात्रियों के लिए भोजनालय की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर आपको व्याजबी दर पर खाना उपलब्ध किया जाता है। जीवदानी मंदिर ट्रस्ट न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अग्रसर है। अभी कोविड के समय ही इन्होंने करीबन 75 लाख मील्स गरीब ज़रूरतमंद लोगों में बांटे थे। उसके अलावा इनकी वैद्यकीय सेवा भी कई जगहों पर मुहैया कराई जाती है, जिसमें खासकर निशुल्क मोबाइल एम्बुलेंस सेवा या हॉस्पिटल जैसी सेवाएं भी उपलब्ध है, जिसका लाभ अब तक लाखों ज़रूरतमंद लोग ले चुके हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। मंदिर के नज़दीक ही एक बड़ी 7 मंजिला स्कूल है, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाई मुहैया कराती है। यदि आप भी इनके कार्य में सहभाग देना चाहें तो आप इस मंदिर ट्रस्ट को डोनेशन द्वारा मदद कर सकते हैं, और इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, बातों बातों में अभी हम यहाँ पे ऊपर के डेक पर पहुँचने वाले हैं। मंदिर का समय सुबह 5 बजे से लेके शाम को 9:30 बजे तक रहता है, और यहाँ पर दिन में 3 बार आरती होती है। पहली आरती सुबह 9 बजे होती है, दूसरी दोपहर को 12 बजे और तीसरी शाम को 7:30 बजे होती है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, हम कुछ ही मिनटों में ऊपर की तरफ पहुंच गए। दोस्तों, इस सेवा का सबसे ज़्यादा फायदा बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को हो सकता है, जो माता के दर्शन को आना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वह ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह सेवा एक वरदान साबित हो सकती है। यहाँ पर आपको आने के बाद में आपके जूते आपको यहीं पे उतारने होंगे। रोपवे का ऊपर वाला डेक इस मंदिर के निचली मंजिल पर स्थित है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको 7 मंजिलें पार करनी होगी, जहाँ पर जीवदानी माता विराजमान है।
तो ऊपर जाने के लिए आप यहाँ पर लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, और या तो आप चाहे तो आप सीढ़ियों से चढ़ के भी ऊपर जा सकते हो। लिफ्ट से ऊपर जाते समय आपको खिड़की में से भी काफी खूबसूरत नज़ारा देखने मिलेगा। इस लिफ्ट की सहायता से आप कुछ ही मिनटों में या कुछ ही क्षणों में, मैं कहूँगा, आप ऊपर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप ऊपर बाहर की तरफ आते हो, आपकी नज़र सबसे पहले एक खूबसूरत विशाल गुंबद पर पड़ती है, जिस पर अष्ट देवता की नक्काशी की हुई है, जो पूरा कांच से बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर आपको हर समय प्रकाश की अनुभूति होती है। और जैसे ही हम वहाँ से कुछ आगे की ओर बढ़े, हमारी नज़र गर्भगृह पर पड़ी, जहाँ पर जीवदानी माता विराजमान है। यहाँ पर हम आपको एक बात सूचित करना चाहते हैं कि इस मंदिर के अंदर की तरफ वीडियो और फोटो निकालना वर्जित है। हमने मंदिर के ट्रस्ट से एक खास परमिशन ली है, जिस वजह से हमें यहाँ शूट करने दिया जा रहा है। तो इससे पहले कि हम यहाँ से आगे बढ़े, मैं आपको इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कथा सुनाता हूँ। बहुत वर्षों पहले की बात है, इस पहाड़ के नीचे एक गांव में एक खेत हुआ करता था। वहां पर एक किसान प्रतिदिन खेती करते समय देखता कि एक गाय यहां पर प्रतिदिन चारा चरने आती है। सुबह से शाम तक वह चारा चरती और शाम को पहाड़ों में कहीं गायब हो जाती। किसान को उससे काफ़ी आश्चर्य होता। एक दिन उसने उस गाय का पीछा करने का निश्चय किया। शाम को जब वह गाय पर्वतों की तरफ लौट रही थी, तब किसान भी उसके पीछे पीछे गया। तब उसने पाया कि वह गाय पहाड़ के ऊपर एक सपाट क्षेत्र पर जाके खड़ी हो गई और वहाँ पर एक कन्या प्रकट हुई। जब उस कन्या को किसान ने देखा तो उसने समझा कि यह कन्या उस गाय की मालकिन है, और उसने उससे उस गाय ने खाए हुए चारे के पैसे मांगे। जब कन्या ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो किसान ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे स्पर्श ना करें, मैं अछूत हूँ। अभी यह सुना कि नहीं सुना, वह कन्या वहाँ से गायब हो गई। और जैसे ही वह कन्या वहाँ से गायब हुई, वह गाय एकदम से चिल्लाई और उस पहाड़ी से नीचे की तरफ कूद पड़ी। यह सब देखकर किसान काफ़ी दुखी हो गया। वह देवी कहाँ गई? वह गाय वहाँ से क्यों कूदी? यह बात आज तक किसी को पता नहीं चली। लेकिन फिर भी जब लोगों ने देखा कि उस देवी के लिए उस गाय ने अपने जीव का दान दिया, इसके लिए वहाँ पर एक पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करके उस पर्वत को जीवदानी का नाम दिया गया। यहाँ पर माता का स्वरूप एकदम शांत एवं सौम्य है। यहाँ पर माता ने कोई भी शस्त्र धारण नहीं किए हुए है, उससे उलट उनके एक हाथ में कमल पुष्प एवं दूसरा हाथ आशीर्वाद देती मुद्रा में नजर आता है। जीवदानी माता के लिए भक्तों में असीम श्रद्धा है। यहाँ पे दूर दूर से लोग अपनी मन्नत पूरी करने के बाद यहाँ पर माता के लिए चढ़ावा लेकर आते हैं। हमने भी उसी श्रद्धा से माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी के भलाई के लिए उनसे प्रार्थना की। दोस्तों, माता की छवि इतनी मनमोहक थी कि हमें वहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। वहीं गर्भगृह के पास में एक और एक गुफा है, जिसे श्री कृष्ण गुफा मंदिर कहते हैं। यह गुफा भी काफ़ी प्राचीन है और इसके अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। अभी फिलहाल यहां पर अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं दी जाती। वहीं से कुछ आगे बढ़ने पर आपको डोनेशन काउंटर नज़र आता है। यदि आप चाहो तो यहाँ पर आप इस मंदिर को डोनेशन दे सकते हो। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही आपके राइट साइड में आपको प्रसाद काउंटर मिलेगा।
जहाँ से आपको माता का प्रसाद ग्रहण करना होता है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में आपको नारियल की बर्फी दी जाती है। प्रसाद लेकर अभी हम कुछ आगे ही बढ़े थे कि हमने देखा कि सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने देखा कि वहाँ पर काल भैरव और काली माता का मंदिर है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हर एक शक्तिपीठ के पास एक भैरव को शिवजी ने नियुक्त किया था उसकी रक्षा के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी ऊपर काल भैरव का मंदिर है, तो आप उसके दर्शनों के बिना यहाँ से ना जाइएगा दोस्तों। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे ही हमने देखा कि ऊपर एक विशाल टेरेस है और यह प्रांगण इतना बड़ा था कि यहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में भी अगर भाविक आ जाए तो भी यहाँ पर जगह की कमी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी तथा अन्य स्नैक्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर माता को चढ़ाई गई साड़ियाँ भी प्रसाद के रूप में बेचने के लिए रखी गई है। राइट साइड में कुछ आगे की तरफ जाने पर हमने देखा कि यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी, तो हमें पूछने पर पता चला कि वहाँ पे शौचालय यानी कि वॉशरूम्स है, तो ऊपर यात्रियों के लिए इस फैसिलिटी को भी यहाँ पर रखा गया है। और उसी के नज़दीक हमने देखा कि और एक छोटा सा मंदिर है, तो वह पता चला कि ये गाय गोठा मंदिर है। जैसे कि हमने आपको कहानी में बताया कि यहाँ पर गाय का बहुत बड़ा महत्व है इस मंदिर के निर्माण के पीछे, तो उसी की याद में यहाँ पर ये एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। जब से हम ऊपर आए थे हमारे कान में पक्षियों की आवाज़ पड़ रही थी, तो हमने देखा तो सामने की तरफ एक बहुत विशाल पिंजरा बना हुआ था जिसके अंदर काफ़ी खूबसूरत पंछी रखे गए थे। और उन्हीं पंछियों के पिंजरे के पास और एक मंदिर है जिसे बरोंडा देवी का मंदिर कहा जाता है। पक्षियों को देखकर और बरोंडा देवी के दर्शन करके अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ पर आपको एक प्रसाद काउंटर मिल जाएगा जहाँ से आप यह जो प्रसाद था नारियल की बर्फी का, अगर आप अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के लिए ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। प्रसाद काउंटर के नज़दीक ही स्थित है काल भैरव का मंदिर। काल भैरव के मंदिर में दर्शन करके ही हमने देखा तो बाजू में एक शिला थी जहाँ पर लोग अपने सिक्के चिपकाते थे, और वहीं काल भैरव मंदिर के नज़दीक स्थित है महाकाली का मंदिर। यहाँ पर भी महाकाली की सुंदर छोटी सी प्रतिमा स्थापित की गई है। पहले के समय यहाँ पर बलि देने की भी प्रथा हुआ करती थी जहाँ पर लोग अपनी मुर्गी या बकरा लाके यहाँ पर बलि देते थे, लेकिन काफ़ी समय से अभी समाज कल्याण विभाग के प्रयत्नों की वजह से अभी यहाँ पर बलि देने की जो प्रथा है वह बंद कर दी गई है, क्योंकि माता अपने बच्चों की बलि क्यों मांगेगी। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री आराम से घूम फिर सकते हैं। इतनी ऊंचाई से आपको मंदिर के पीछे का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा दोस्तों। वैसे हमें घूमते हुए काफ़ी समय हो गया था और हमें भूख भी बहुत लग रही थी, तो हम हमारा खाना हमारे साथी अपने घर से लाए थे, क्योंकि हम ज़्यादातर जब बाहर जाते हैं तो बाहर का खाना हम अवॉइड करते हैं, और वैसे भी अभी कोरोना का समय चल रहा है तो यही बेहतर होगा कि हम अपना खाना और पानी अपने साथ में लेकर जाएं। तो इस अच्छी सी जगह पर बैठ के हमने भी अपने दोपहर के खाने का आनंद लिया। खाना खा के कुछ देर बैठने के पश्चात वहाँ से हमने देखा कि एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब हमने नज़दीक जाकर देखा तो हमें पता चला कि यह बाहर जाने का मार्ग है। अगर यदि आप रोपवे से नहीं आते और अगर आप चल के आते हो तो आपको यह पैदल मार्ग से ही आपको बाहर की तरफ जाना होता है। तो हम जब उस रास्ते पर आगे बढ़े तो हमने देखा कि वहाँ से मंदिर का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा है, तो हमने उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाने का विचार किया।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत होता जा रहा था, तो हम और आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। जब हम और आगे बढ़े तो हमें पता चला कि हम जो भी जिस जगह पर है ये पहाड़ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो यदि आप रोपे से भी आते हो तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको विरार का जो नज़ारा है पहाड़ों से काफ़ी खूबसूरत देखने मिलेगा। अगर मौसम साफ हो तो आपको दूर समुंदर भी दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया था दोस्तों, तो अब बारी थी नीचे की तरफ जाने की। तो जिन सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे उसी से हमें अब नीचे जाना था। नीचे उतरने के लिए आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आप सीनियर सिटीज़न या विकलांग हो तो ही आपको नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा आपको सीढ़ियों से होते हुए ही नीचे उतरना होता है। लेकिन इसमें भी एक अपना अलग ही मज़ा है, क्योंकि जब ये आप नीचे उतर रहे होते हो तभी आपको खिड़की में से जो कुदरत का आनंद देखने मिलेगा उसका अपना ही एक अलग मज़ा है। हम अपने पिछले वीडियो में भी काफ़ी इस बार यह बात बता चुके हैं कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या दर्शनों के लिए जाते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ दर्शन करना नहीं होता दोस्तों। हमारा उद्देश्य है कि हमें उस जगह पर जाना है, उस कुदरत का भी आनंद उठाना है, आसपास के नज़ारों का आनंद उठाना है। उसी से हम अपनी यात्रा परिपूर्ण कर पाते हैं। तो वहीं पे कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद में हम पहुँच गए थे अभी ऊपर वाले रोपवे स्टेशन के पास में। सबसे पहले हमने टोकन देकर वहाँ से अपने जूते ले लिए और अभी हम बढ़ चले अपने केबल कार की ओर। यकीन मानिए दोस्तों, जितनी एक्साइटमेंट हमें ऊपर जाने की थी उतनी ही एक्साइटमेंट अभी नीचे जाने के वक्त भी है, क्योंकि इस तरह की केबल कार में सफ़र करना ही अपने आप में एक रोमांचित अनुभव होता है। और यदि आप भी यह अनुभव लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यह वीडियो देखकर नहीं बल्कि आपको खुद यहाँ पर आके यह अनुभव लेना होगा, तभी आपको इस अनुभव का पूरा आनंद मिलेगा। इस वीडियो में हमने हो सके वो सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। या फिर भी आपके इस जगह से या इस वीडियो के संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम तुरंत से तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं यहाँ के लोअर डेक पर, यानी कि नीचे के स्टेशन पर। और यह सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा दोस्तों, और काफ़ी समय के बाद आपके लिए इस तरह की वीडियो लाके हमें काफ़ी आनंद मिल रहा है। और आगे के समय में भी हम आपके लिए इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो लाने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल भी दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर मज़ा आ रहा होगा, और यदि आपको मज़ा आ रहा है तो हमारे वीडियोस को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वह भी इस तरह की जगहों का आनंद अपने घर बैठे उठा सके। तो अब आपसे अगली मुलाकात होगी ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।